धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाले अन्याय को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री को आंध्र के भाग्यनगर में मीडिया वालों ने घेर लिया, जहां पुलिस भी मौजूद थी, जहां मीडिया वाले विवेक अग्निहोत्री से सवाल कर रहे हैं और उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में विवेक अग्निहोत्री से मीडिया किस तरह के सवाल पूछ रही है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। हाँ पूछिए जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आ जाइए, सब बता देंगे आपको 3-4 बजे। नहीं नहीं नहीं, कुछ ये टेरर, ये फिल्म 1990 के टेररिज्म के ऊपर बनी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना, भारत की अखंडता, उसके लिए ये फिल्म बनाना, यही बस मेरा है। सर ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? अगर किसी को नहीं, देखिए सुनिए मेरी, शांत है। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट, 4,000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट, सारे कल्चर को ख़त्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। सर मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं मीडिया से मेरा वास्ता, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ बात क्यों नहीं कर सकता मैं उनसे? आप कारण बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तो आप इनको मना करिए, मुझे क्यों धक्का देना? Why are you pushing me? उनको हटाइए, नहीं नहीं आप मीडिया को हटाइए। अरे नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मैंने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, उन्हें रोकिए, मुझे क्यों रोका? वो लोकल मीडिया है। लोकल मतलब मैं क्या? क्या मैं कल कोर्ट ने हमारी फिल्म को, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है, सब देखने के बाद अगर कुछ गला होता तो आप कोर्ट से सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। मेरी फिल्म करेक्ट है, हाई कोर्ट ने पास किया है, भारत सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, CBFC का सर्टिफिकेट मिला है, पूरे विश्व में उसकी तारीफ है। अगर कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वो देखें, और अगर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं रखता हूँ।